हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। कल भी हम लोग एक वीडियो के साथ मिले थे यहाँ पे, जो कि आपको AITS का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। और अभी जो एक आज का जो टॉपिक हम लोग का है, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। आज को AITS का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज के आप देख रखे हैं सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। पहला में आप देखोगे ए बी और सी बोला जा रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहला एक दिया जा रहा है प्रोपीन के साथ, किसके साथ दे रहा है रिएक्शन? प्रोपीन के साथ HBr का, ये A बनेगा। उसके बाद एल्कोहलिक के वे छीट B एंड देन HBr। तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं बच्चे, जब हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, HBr के साथ एडिशन करते हैं, क्या बनेगा यहां से? ये बनने जा रहा है CH के पॉजिटिव मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेंगे और ये क्या बना? एक कार्बोकेटायन। अब उसके बाद अपना Br- माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा इसके ऊपर और क्या बनाएगा? CH3CHBrCH3। ये हम लोग मैकेनिज्म वाइज देख रहे हैं। अगला स्टेप में आता है B नंबर के लिए CHBrCH3 और यहां पे आता है एल्कोहलिक KOH और ऑब्लिक हीट। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा बच्चे? इसको बोलेंगे E2 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? E2 मैकेनिज्म, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से हम लोग क्या देखते हैं? अल्फा बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो कि अल्फा क्या होगा? ब्रोमीन, और बीटा क्या होगा? हाइड्रोजन। यहां पे यानी यहां से अल्फा से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन जाने जा रहा है। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां प्रोडक्ट यहां बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी दोबारा से प्रोपीन बन चुका, समझ लो। उसके बाद दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की जगह पे क्या दे सकता है आपको? ROOR दे सकता है आपको, ये भी दे सकता है बेंजीन, यानी बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O होल 2 एंड O2, इसको बेंजोइल पेरोक्साइड नाम देंगे। ये क्या करेगा बेटा? ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हम लोग का होता है Br रेडिकल, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा और ये हो जाएगा 1-bromo-propane। क्या होगा? 1-bromo-propane बन जाएगा। ये आपने डिसाइड किया ए बी और सी को। ए क्या बना था? ए जो बना था वो था 2-bromo-propane, बी जो बना था वो बना था प्रोपीन, और HBr पेरोक्साइड से जो C बना है वो फाइनली क्या बना है? 1-bromo-propane। क्लियर है? तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें कि A से F तक हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। पहला आप देख लो इथीन के साथ HCl, इथीन के साथ क्या हो रहा है? HCl का रिएक्शन हो रहा है, यानी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पे तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो सिंपल सा बन जाएगा CH3CH2Cl, ठीक है। उसके बाद दे रखा है सोडियम ड्राइथर। तो सोडियम ड्राइथर आप जानते हो वुड्स रिएक्शन होता है। वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? कपलिंग ऑफ अल्काइलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन कराता है। तो यहां से ये हो गया हमारा ए नंबर। बी नंबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चे, बी नंबर जो होगा तो क्या होगा? ये नॉर्मल ब्यूटेन होगा, यानी CH3CH2 एंड देन CH3। उसके बाद सी नंबर देखना, सी नंबर दे रखा है बनाने के लिए Cl2H3। Cl2H3 का मतलब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? 2 डिग्री। मेजर प्रोडक्ट लेने CH3CHCl फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और ये बना देंगे 2-chloro-butane। उसके बाद डी नंबर में क्या आ रहा है? KCN। तो CN को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा SN2 मैकेनिज्म से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, और ये क्या बन जाएगा? CHCN, और यहां पे क्या आएगा? CH2CH3, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? हाइड्रोलिसिस। जानते हैं हम लोग, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए साइनाइड ग्रुप का, नाइट्राइल का, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी यहां से बन जाएगा CH3CH, है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और यहां आएगा CH2CH3। उसके बाद दे रखा है आपको NaOH प्लस CaO। कौन सा रिएक्शन है बेटा? तो सोडा लाइम। कौन सा रिएक्शन हुआ ये?
ये हुआ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है जिसमें CO2 को रिमूव कर देंगे हम लोग, एनोड पे जाता है ना, यानी कि सोडा लाइम, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, नॉट एनोड, वो तो कॉलेज इलेक्ट्रोलिसिस होता, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H यहां से रिप्लेस कर जाएगा CO2, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2। दोबारा से फिर हम लोग के पास क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी F नंबर क्या बना, नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर हो बात, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और यहां पे क्या करना है जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हम लोग को ए बी और सी को यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला रिएक्शन देखने रखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साथ में रिएक्शंस का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, CH3 CH2 Br, क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनेगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर बोल रहा है एमजी ड्राइथर, यानी इसका रिएक्शन करा देंगे एमजी ड्राइथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कि क्या बनेगा CH3 CH2 MgBr, ठीक है। उसके बाद सी नंबर अब कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराइए, एसिटल्डिहाइड का मतलब हो गया इथानल बोलते हैं एसिटल्डिहाइड का, कॉमन नेम हो गया हाँ। तो ये क्या करेगा, और साथ में वाटर भी दे रखा होगा, वाटर भी रहेगा, ये आकर के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, CO- टूटेगा, और देखिए यहां से क्या बन रहा है CH3 CH2 CO- H CH3, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहां पे H आएगा, और प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है CH3 CH2 CHOH, और ये क्या हुआ CH3, क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, ब्यूटेन टू ऑल। सिंपल से एक बात याद रखना, अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, किसी और दूसरे डीहाइड के साथ रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड तो क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बात, यहां पे ध्यान रखना बच्चे, आगे जल्दी से बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ इससे मिलने जा रहा है आपको। तो ए नंबर में देखना, ए नंबर जो बनेगा वो क्या होगा, सोडियम ड्राइथर दे रखा है यानी कि कपलिंग होगा, और बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल है। यहां पे Br2 और HNO क्या करेंगे 2 डिग्री, मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 यानी CH2 CH3। उसके बाद क्या दे रखा है, एल्कोहलिक KOH एंड हीट होगा, तो यहां पे एलिमिनेशन करेंगे, E2 एलिमिनेशन होगा, और E2 एलिमिनेशन के बाद C बच जो बनने जा रहा है वो क्या होगा बच्चे, यहां से अल्फा और यहां से बीटा 1, यहां से दोनों में से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सेट्जर प्रोडक्ट जो होता है वल्किन मेजर होता है, सेट्जर प्रोडक्ट जो होगा वल्किन क्या होगा, मेजर होगा हाँ, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वल्किन जो होता है यहां पे हम लोग के लिए मेजर होगा। क्लियर बात, यहां से भी हमारे पास था ये माइनर बनता, ये सेट्जर वल्किन नहीं कहते हैं, कहते हैं। अब उसके बाद डी नंबर बोल रहा है बेटा, डी नंबर बोल रहा है हाइड्रोल ओजोन एंड जिंक वाटर, यानी कि रिडक्टिव ओजोनिसिस, ओजोन एंड जिंक वाटर है तो रिडक्टिव ओजोनिसिस करेंगे, यही अगर ओजोन एंड वाटर रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस। तो यहां से क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना देंगे, हाँ ओजोनाइड का प्रिपरेशन होता है, ओजोनाइड यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड यहां से बनेगा, साथ में एक और मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बनेगा। अब यहां से मिलता है हम लोगों को एक नया नेम रिएक्शन जो कि बोल रहा है एक्वस NaOH, और इस नेम रिएक्शन का नाम होगा अल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम देने जा रहे हैं इसका, इसका नाम होगा अल्डोल कंडेंसेशन, काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे ध्यान रखना है अल्डोल कंडेंसेशन, यहां पे ध्यान रखना है। तो ये होता क्या है अल्डोल कंडेंसेशन, तो ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, यानी इसका डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि द एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद अल्कली टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच ऑन फर्दर हीटिंग, अगर हीट करा रखा है तो गिव द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये होता है यहां पे। तो यहां से कैसे करेंगे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH आया, एक मॉलिक्यूल ने अपना H हटाया होगा, यानी यहां से बना कंजुगेट अटैक किया, O माइनस बॉन्ड टूटा, क्या हुआ CH3 CO- H CH2 C डबल बॉन्ड OH,
यहां से हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस से क्या बनने जा रहा है, CH3CHOH। आप देख रहे होंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से हीट करेंगे। अब जब यहां से हम लोग हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो अल्फा से क्या जाएगा एच और बीटा से क्या जाएगा बच्चे ओएच जाएगा, यानी यहां पे बनेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड देन C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां बनने जा रहा है जो कि हम लोग का ई नंबर में होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर है, फिर जल्दी से सब नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग के पास है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा ज्यादा हेवी क्वेश्चन लग रहा है देखने से, लेकिन है बहुत सिंपल, लेकिन हाँ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें रखे हुए हैं। आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। ए नंबर में बोल रहा है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं सिल्वर पाउडर एंड हीट से तो क्या बनता है, तो आप यहां याद रखना एसिटिलीन होता है, साथ में 6 mole of AgCl बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि काम क्या करेगा ऐसे समझ लो इसको कि क्लोरोफॉर्म है Cl है, Ag ने क्या किया सभी Cl को हटाया, रेडिकल बनाया, रेडिकल अनस्टेबल तो क्या करेगा एक और रेडिकल आएगा, रेडिकल और आपस में दोनों जुड़ गया और ये क्या बन गया एसिटिलीन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ बेटा यहां पर रेडिकल। चलिए सही है, अब देखोगे बी नंबर में समझना कि 2 moles of NaNH2 यानी 1 mole इसका ये H को हटाएगा, 1 mole जो है इस H को हटाएगा और दूसरा मोल इस H को हटाएगा, समझ रहे बात को। तो अब हम लोग को क्या देखना है यहां से कि सर एक बार ये H हटा दूसरा बार ये H हटा तो यहां पे माइनस आया, अगली बार यहां पे माइनस आया और 2 mole of CH3Cl दे रखा है, इसका मतलब दोनों के साइड से क्या करेगा एक साइड इधर CH3 एक साइड इधर CH3 जुड़ जाएगा, यानी बी नंबर जो हम लोग बनाएंगे वो कह सकते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 हो गया, समझ में आया बात ये। अब उसके बाद बोल रहा है कि बी नंबर जो बना उसको H2PDBSO4 दे दो, यानी कि हमारा जो यहां सी नंबर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है लिंडलर्स कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं, समझ रहे बात, ये क्या करता है अल्काइन को सिस अल्किन में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां पे जो हम लोग का अल्काइन अल्किन बनने जा रहा है वो क्या बनेगा CH3 cis butuin बनेगा, है ना, सिस फॉर्म बनेगा सिस ब्यूट टूइन बनने जा रहा है, क्लियर बात। अब देखो जी, अब हम लोग डी के तरफ चलते हैं, डी ने बोला एनए यानी बर्च रिएजेंट, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा बर्च रिएजेंट हुआ, बर्च रिएजेंट यानी बर्च रिएक्शन होगा, तो ये बर्च रिएक्शन हो जब यहां पे हम लोग करेंगे तो यहां से हम लोग के पास जो डी नंबर बनकर आने का रहा है वो डी नंबर क्या बनेगा ट्रांसल्किन बनेगा, क्या बनेगा ट्रांसल्किन बनेगा, यानी यहां से हम लोग बनाकर आ रहे हैं CH3 CH3 H एंड H, यहां पे क्या लिखना होगा ट्रांसब्यूटुइन। अब देखो बच्चे यहां से एक नंबर आ रहा है ई के तरफ हम लोग चलते हैं, यहां से ई यही पर बना दे रहा हूं, जिंक वाटर है क्या करेंगे ओजोनेसिस कर देंगे, यानी एक ऑक्सीजन इसको देंगे एक ऑक्सीजन इसको देंगे तो क्या बनेगा CH3COH, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल मिल गया। चलिए ये कहानी हो गया ई तक हम लोगों ने बना लिया, अब इसके बाद चलते हैं जी पर, तो जी जो बोल रहा है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस बोल रहा है, क्योंकि यहां जिंक नहीं है ना ही डाइमिथाइल सल्फाइड है सल्फर है, तो यहां पर क्या बनने जा रहा है यहां पर आ रहा है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 2 moles बन गया यहां पे इथानोइक एसिड। उसके बाद बोल रहा है सोडा लाइम, इसको क्या बोलते हैं सोडा लाइम ऑफ लिक्विड बोलते हैं CO+NaOH, इधर उधर लिखा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है NaOH+CO बोलो या CO+NaOH बोलो, एच नंबर, तो सोडा लाइम क्या करेगा बच्चे सोडा लाइम का काम क्या होगा यहां से CO2 को रिमूव कर देना, यानी 2 moles बोल सकते हैं कि 2 moles ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल बन गया, यहां पे क्या बना 2 moles ऑफ मीथेन बन गया। अब कह रहा है जी नंबर से इसी के बारे में कि जी को क्या करो KOH दे दो, तो जब KOH दोगे बच्चे तो यहां से क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O-K+ होगा, कुक बन गया, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O कुक। अब जब हम लोग कुक का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पे अल्केन और CO2 आता है, ठीक है, क्या आता है अल्केन
और CO2 आता है, तो यानी यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव करेंगे, फ्री रेडिकल बनता है यहां पे, फ्री रेडिकल होता है इंटरमीडिएट, और ये बन जाएगा CH3 CH3, साथ में क्या बनेगा CO2, ये कहां पाया जाएगा तो एनोड के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पे, ठीक है। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्लास नहीं कर पाया आज आपके लिए, 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन के लिए। तो ही बात बोलते हैं, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, ना जाने कब सही हो जाए। ये कभी हिम्मत मत हारना कि हमसे नहीं होगा, ये अगर आप हिम्मत हारते हैं तो मुश्किल होगा, आपको बस ये करना है लगे रहना है। हाँ जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो हम लोग यहां समझ सकते हैं ना जाने कब मेहनत करते करते हम लोग आगे बढ़ जाए, अभी मेहनत करें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान रहे हो, ये तो गाना बहुत बहुत लोग हम लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, क्या गुनगुनाते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में डालना ना, ये ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ नारायण कब मिल जाएंगे ये पता नहीं है, इसके आगे का भी लाइन है तो कभी आगे का लाइन सुनाएंगे किसी में। तो मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहिए, वीडियो भी इसी तरीके से अपना प्यार अपना अफेक्शन देते रहिए, और साथ में हमसे कोशिश कीजिए इससे कुछ सीखने का। वीडियो के बारे में जो आपको मैं बताता हूं तो बस इसी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अपना वीडियो बोलोगे सर अपना वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, आपको बोल रहे हैं देखने के लिए, प्रमोट तो करेंगे ना, लेकिन साथ में ये आपको अभी फायदा दे इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा हूं मैं। हर दिन अभी भी समय हो रहा है 11, सारा दिन भर का क्लासेस लेकर घर आने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, एंड देन अभी 11 बज रहा है बच्चे, 11 PM रात का 11, दिन का नहीं, दिन का 11 में तो क्लास में था, ठीक है। तो अभी यहां पे हम लोग आपके लिए वीडियो शूट किया, 10-15 मिनट में अभी अपलोड भी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, मेहनत, मेहनत करिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो रिजल्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, आइदर AITS एग्जामिनेशन दे रहे हो, स्पोर्ट दे रहे हो, DPP दे रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।